कहीं उठकर वेट कर लूं। गई होंगी। ये तो बहुत बुरा हुआ कि वो यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बहुत जरूरी काम था। और उसने कहा था वो आप दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो कौन हो सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसका नाम क्या था? पता नहीं मॉम, तुम्हें कम से कम नाम तो पूछना चाहिए था नोबिता। लेकिन वो देखने में कैसा लगता था ये तो तुम बता ही सकते हो। हाँ? सोचने दो, वो देखने में कैसा लगता था? उसकी आंखें। हाँ कैसी थी? हाँ वो उसकी नाक कैसी थी? हाँ नाक, उसकी नाक थी। नोबिता कई तरह की नाक होती है, छोटी बड़ी लंबी मोटी। जितना ज्यादा आप पूछेंगे उतना ही मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। पता नहीं उस आदमी को हमसे क्या जरूरी काम था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया डैड। अरे तुम उठ गए नोबिता, तुमने कुछ क्या किया? दिखाओ मुझे। नहीं तुम हंसोगे। मैं नहीं हंसूंगा, मुझे दिखाओ तो। सच में? ये लो। तुम हंस रहे हो डोरेमोन? मुझसे उसका स्केच नहीं बन रहा है डोरेमोन। मैं बहुत देर से उसका चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा। हाँ मोंटेज, मोंटेज, ये क्या है? हम इससे उस आदमी का चेहरा रिक्रिएट करेंगे। हाँ क्या सच में ऐसा हो सकता है? इससे चेहरे के अलग अलग हिस्से दिखेंगे नोबिता, उनकी मदद से तुम उसका चेहरा बना सकते हो। समझ गया। शुरुआत आँखों से करते हैं। उसकी आँखें ऐसी नहीं थी। मैं तुम्हें और आँखें दिखाता हूँ नोबिता। हाँ उसकी आंखें ऐसी ही थी। अब तुम्हें उसकी जैसी नाक पहचाननी है नोबिता। ओके। हाँ? ये उसकी नाक जैसी है। अब उसका मुंह ढूंढते हैं। हाँ उसका मुंह ऐसा ही है। अब आईब्रोज। रुको डोरेमोन, ये वाली है। अब तुम्हें उसका हेयर स्टाइल और फेस की शेप पहचाननी है। ठीक है डोरेमोन। अगर शेप गलत हुई तो चेहरा बिल्कुल अलग दिखेगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना नोबिता। डोरेमोन उसका हिस्सा यही है। ठीक है, अब हम इन सारी चीजों को जोड़ कर इनकी मदद से एक चेहरा बनाएंगे। तुम इस बकेट को अपने सिर में पहन लो नोबिता। क्या? लेकिन क्यों डोरेमोन? शांत हो जाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। हाँ? लेकिन ये क्या है डोरेमोन? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चेहरा बना रहा है। लगता है काम हो गया। ठीक है नोबिता, अब तुम बकेट हटा सकते हो। ओके। जरा देखो। हाँ डोरेमोन उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा ही था। चलो अब मॉम और डैड को भी दिखाते हैं। मैं तुमसे नहीं जानता। मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा। ये तो अजीब बात है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो ऐसा ही दिखता था? वो ऐसा ही दिखता था, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मैं तो इससे आज से पहले कभी भी नहीं मिला हूँ। लेकिन उसने तो मुझसे कहा था वो आपको अच्छी तरह जानता है डैड। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं छोटी थी तो ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ता हो। हो सकता है, लेकिन मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या करूँ? अब क्या करे डोरेमोन? अगर तुम बाहर घूमने जाओगे तो हो सकता है इस चेहरे को कोई पहचान ले नोबिता। वाओ ये आइडिया तो अच्छा है। नोबिता। हाँ? मैंने आज पहली बार तुम्हें किसी काम को इतनी मेहनत से करते हुए देखा है, गुड लक। कोई तो इस चेहरे को पहचानेगा ही। हाँ अरे मानो सुनियो। हाय। हाँ अरे आप हमें जानते हैं? इन्हीं थोड़ा परेशान करता हूँ। क्या तुम दोनों किसी नोबिता को जानते हो? हाँ हम जानते हैं, लेकिन ये बताइए आप उसे कैसे जानते हैं? मैं उसका अंकल हूँ, क्या तुम वही हो जो उसे परेशान करते रहते हो? नहीं हम उसे परेशान नहीं करते। क्यों है ना सुनियो, हम तो हमेशा उसकी हेल्प करते हैं। हाँ हाँ वो हमारा अच्छा दोस्त है। झूठ मत बोलो। अगली बार तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भागो। वो दोनों डर गए। हेलो आंटी। क्या बात है? आप मुझे पहचानती हैं? नहीं मैं नहीं पहचानती।
आपको पहले कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता, तुम जाकर पुलिस से पूछो। ये चेहरा काफी जाना पहचाना है। हाँ, क्या सच में? हाँ, इसे मैंने थोड़ी देर पहले ही तो देखा था। लेकिन कहाँ देखा था? मैंने शायद इसे पुलिस स्टेशन के सामने देखा था। क्या, पुलिस स्टेशन के सामने? थैंक्स अंकल। अरे रुको, बड़ा अच्छी बात था वो। ये तो वही आदमी है, विकी द रॉबर। अरे नहीं, ये तो 23 बार अरेस्ट हो चुका है। भागता हूँ, नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। डोरेमोन, बचाओ मुझे। ये कहाँ जा रहा है? अरे तुम्हें इस तरह से सड़क पर नहीं घूमना चाहिए। तुम्हारे से तो अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है, जल्दी चलो। मुझे छोड़ दो। अरे पता नहीं ये नोबिता भी कहाँ चला गया है। अरे नहीं, मुझे नोबिता का चेहरा पहले जैसा करना होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तुम यहाँ पर छिप कर क्यों बैठे हुए हो? बाहर निकलो। मुझे जल्दी से तुम्हारा चेहरा बदलना होगा, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे। क्या तुम इससे मेरा चेहरा बदल दोगे? मैंने अभी तो तुम्हारा चेहरा बदला था, तुम्हें याद नहीं है नोबिता? ये तो बहुत अच्छी चीज है। तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? प्लीज, तुम्हें अंदर आना ही होगा। मुझे अपने घर जाना है। प्लीज बिगी, जल्दी अंदर चलो, जल्दी। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा हुआ तुम आ गए बिगी। बिगी अंदर जाने से मना कर रहा है। अरे क्या हो गया? ये क्या, दो दो बिगी? समझ गया, तो तुमने गैजेट की मदद से अपने चेहरे को बदला है। जल्दी से हमें बताओ इसे कैसे यूज करते हैं। प्लीज मुझे और मत बताना, मैं तुम्हें बताता हूँ इसे कैसे यूज करते हैं। ओके, सब कुछ सेट हो गया है। तुम्हारे पास खाना तो पूछ क्या खिलाएगी? अब जल्दी से इसे ऑन करो। ठीक है बिगी, मैं इस मशीन को ऑन करता हूँ। क्या अभी तक नहीं हुआ? जल्दी मत करो, अपने चेहरे को हैंडसम बनाने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। डोरेमोन तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। हाँ, मुझे लगता है हो गया है। मैं हैंडसम लग रहा हूँ इसलिए हैरान हो गए? देखो ये सब क्या हो गया? तुमने मेरे चेहरे को क्या कर दिया? ये मेरी गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुमने आ गया ना बेटा, मुझे डोरेमोन, अब मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुझे लगता है उसने गलत बटन प्रेस कर दिए ना बेटा। हे नोबिता, चलो खेलने चलते हैं। क्या तुम्हारे अंकल वापस चले गए? हाँ वो चले गए हैं। तुम अपने अंकल को बताओगे ना कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना नोबिता? हाँ नोबिता, अब हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मुझे लगता है इनको सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। चलो अब खेलने चलते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।